हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए के आई हूँ बहुत ही अमेजिंग डिश। ये देखिए गाइस, ये है कलरफुल बॉल्स। ये देखिए गाइस, ये कलरफुल बॉल्स है। मैंने तो सिर्फ दो कलर की बनाई है, आप चाहे तो इसको कई कलर में बना सकते हैं। मैंने तो ग्रीन और ऑरेंज कलर में बनाई है। तो चलिए इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए हम लेंगे ब्रेड। ये मैंने पूरा एक पैकेट ब्रेड लिया है, ये चीनी, इलायची पाउडर और थोड़ी सी तीन चार ठो खड़ी इलायची है, हरी इलायची, और ये है नारियल का पाउडर, और ये है देसी घी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को बनाने के लिए। ये देखिए गाइस, ये जो ब्रेड है हम इनको मिक्सर में अच्छे से पीस लेंगे, बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे बारीक। ये देखिए गाइस, इस तरह से हमारा अच्छे से बारीक हो चुका है नारियल का ब्रेड का पाउडर। अब हम बनाएंगे चाशनी। हम इसमें डालेंगे एक गिलास पानी और उतनी ही चीनी डालेंगे, उससे थोड़ी कम चीनी डालेंगे, पौन गिलास करके चीनी डालेंगे। और चीनी चाशनी जो हमें बनाना है, हम उसको एक तार की नहीं बनाएंगे, बस इतनी हमें चाशनी बनाना है कि हमारी जो शक्कर है, जो चीनी है, वो अच्छे से पानी में घुल जाए। बस इतना हमको चाशनी बनानी है कि चाशनी अच्छे से शक्कर में घुल जाए और अच्छे से मीठी हो जाए। उसके बाद हमने एक कढ़ाई चढ़ाई है, कढ़ाई में जो घी था वो हमने इसमें डाल दिया है। घी काफ़ी अच्छे पिघलने लगा है। इसके बाद जो हमारा ब्रेड का पाउडर है ना, जो हमने ग्राइंड कर लिया था, जी हाँ यही, इसको हम अच्छे से इसमें डाल देंगे। इस तरह से धीरे धीरे करके पूरा पाउडर इसमें डाल देंगे। गाइस ये बहुत टेस्टी बनती है ये वाली रेसिपी। ये देखिए गाइस, इस तरह से हम पूरे अच्छे से जो पाउडर है जो ब्रेड का, वो पूरा हम इसमें अच्छे से डाल दिया है। अब इसको अच्छे से भूनना है। बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे खोवा भून रहे हैं। इस तरह से धीरे धीरे करके हम अपने ब्रेड को अच्छे से, जो ब्रेड का चूरा है ना, उसको अच्छे से भूनना है। धीमी आंच में चलाना है, ज़्यादा तेज नहीं, नहीं तो ये नीचे से ना तली में चिपकने लगता है। देखिए, इसके बाद हम डालेंगे इसमें दूध। ये बड़ी गिलास थी इसलिए मैंने आधी गिलास डाली है, आप चाहें तो, अगर छोटी गिलास है आपकी तो आप पूरा एक गिलास दूध डालिए। इस तरह से फिर अच्छे से इसको, पूरे मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करना है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर, जो पिसी इलायची है ना, बस इलायची पाउडर उसको डाल देना है हमें। उसके बाद फिर अच्छे से इसको, पूरे मिक्सचर को चलाना है, अच्छे से कढ़ाई अच्छे से पकड़ के अच्छे से चलाना है इसको। बहुत ही अच्छी, बहुत ही अमेजिंग डिश लगती है और बहुत जल्दी बन जाती है। मुश्किल से सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट, बस इससे ज़्यादा नहीं लगता है। ये देखिए गाइस, इस तरह से हमारा मिक्सचर काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें नारियल का पाउडर, जो नारियल का चूरा था ना, वो हम इसमें मिला देंगे। फिर अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छे से जितना हमारा जो नारियल का जो भूरा है वो अच्छे से इससे मैश हो जाए। ये देखिए गाइस, इस तरह से एक डो जैसा बिल्कुल ये तैयार हो जाता है। धीरे धीरे करके जितना मिक्सर है सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे, नारियल का भूरा है और जो भी है सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम लेंगे चाशनी। हमारी चाशनी भी देखिए गाइस काफ़ी अच्छे से बन चुकी है, ये देखिए। और चाशनी हमें दो कटोरियों में लेना है। एक कटोरी में मैंने ग्रीन कलर है, जो फूड कलर आता है ना, हम उसको मिला दिए। इसके बाद जो हमारा मिक्सचर है उसकी हम छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे। आप चाहे तो हाथ में घी लगा सकते हैं, वैसे मिक्सचर में वैसे ही घी है तो हमारे हाथ में ऑलरेडी घी आ जाएगा। ये देखिए, इस तरह से हमें बिल्कुल चिकनी बॉल बनाना है। देखिए गाइस, इस तरह से हमें छोटी छोटी जैसे रसगुल्ले की बॉल्स बनाते हैं ना, बस वैसे ही बॉल बनाना है। और इसके अंदर थोड़ा सा इसको चपटे करके इसमें हम इलायची है, जो खड़ी इलायची थी हमारी, उसके हमें दाने डालना है। आप चाहे तो कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी ड्राई फ्रूट ले सकते हैं, किशमिश ले सकते हैं, बादाम के टुकड़े ले सकते हैं,
मैं इलायची डाल रही हूँ। जो इससे टेस्ट आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए, इस तरह से हमारे गोल बॉल बन गया है, बिल्कुल चिकना बनाना है। इसमें कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए, इस तरह से बॉल तैयार करना है, जैसे रसगुल्ले की बिल्कुल रहती है ना, उसमें कोई स्क्रैच नहीं आता, बस इसी तरह से अपनी बॉल तैयार करना है। बहुत जल्दी अच्छे से बन जाती हैं। ये देखिए गाइस, ये हमारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने सारी बॉल्स तैयार कर ली हैं। इसके बाद जो हमने चाशनी बनाया है ना, बस एक एक करके जो हमारी बॉल्स हैं, सारी बॉल्स को इनमें चाशनी में डुबो दूंगी। आप चाहें तो और भी कलर में डाल सकते हैं, जैसे मैंने ग्रीन लिया है, रेड लिया है, आप चाहे तो ऑरेंज, और भी जो कलर आते हैं फूड कलर, आप बस चाशनी है उनको अलग अलग कटोरी में डिवाइडेड कर दीजिए और सारी बॉल्स को अलग अलग डाल दीजिए। ये देखिए, इस तरह से हम अपनी सारी बॉल्स हैं इनमें डाल देंगे, इनको अच्छे से डूबी रहने देंगे। आप चाहे तो और कलर मिला सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है बॉल्स में। ये देखिए, ये ग्रीन कलर आ गया है और वो रेड कलर आ गया है। ये देखिए, है ना बिल्कुल कलरफुल बॉल्स। इनको बनाना बहुत ईजी है। ये देखिए, इसके बाद हम लेंगे जो बॉल्स हमारी अच्छे से पानी में सीरे में अच्छे से डूब चुकी हैं ना, बस अब उनको इसका नारियल जो भूरा है उसको ये कटोरी में अलग से लेंगे और इस तरह से इस कोट तैयार करेंगे। ये देखिए, इस तरह से नारियल का कोट तैयार हो जाएगा, जो देखने में बहुत अच्छी लगती हैं। इस तरह से एक एक करके हम सारी जो नारियल का भूरा लेंगे कटोरी में, इस तरह से पूरे नारियल का जो है बॉल्स है उसको अच्छे से पूरे में कोट कर देंगे। ये देखिए कितनी जल्दी, कितनी इजली बन जाता है, बिल्कुल खोवे जैसा। ये देखिए, हमारी डिश बिल्कुल तैयार है ना बिल्कुल कलरफुल बॉल्स। आप इसको होली फेस्टिवल में बनाइए ना तो और अच्छा लगता है, क्योंकि वैसे होली में कलरफुल रहता है और हमारी जो मिठाई है ये भी कलरफुल हो जाती है। तो खाइए, बनाइए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बनाइए कि आपको ये मेरी डिश कैसी लगी। ये देखिए गाइस, कितनी अच्छी लग रही है, बिल्कुल खोवे जैसी, लगता ही नहीं है कि ये ब्रेड की मैंने बॉल्स बनाई है। ये देखिए, है ना। बस जल्दी से बना के मुझे बताइए कि आपने बनाया या नहीं बनाया, और बना है तो कैसी बनी है ये बॉल्स। और खाने में बिल्कुल सॉफ्ट रहती हैं, कोई कड़ापन नहीं होता, क्योंकि ये ब्रेड है, ब्रेड तो वैसे ही बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, बिल्कुल बेसन जैसे नारियल की जो लड्डू रहते हैं ना, बस वैसे ही लग रही है ये हमारी मिठाई, बिल्कुल सॉफ्टी और बहुत डिलीशियस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।